वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स. आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट. नेम ऑफ द चैप्टर इज स्प्रेडशीट एंड सेशन नंबर 4 बेसिक कैलकुलेशंस. ओके, प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशंस में देखा ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ऑलराइट, नाउ इन दिस सेशन वी विल सी अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. ऑलराइट, हम लोगों को एक्चुअली बेसिक 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोगों को हमेशा लगते हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ओके, ये 4 ऑपरेशंस के ऊपर ही बेस करके सब कैलकुलेशंस होते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. Okay, now we have to calculate the total amount. Our quantity of monitor is this one and price is this one. So we have to multiply, right? So equal to, alright, then sale of quantity D6 into sale of price E6. Okay. तो हम लोगों को टोटल प्राइस मिल गया. तो यहाँ पे इनटू के लिए जो हम लोगों का मैथ्स का इनटू का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, वो यूज नहीं होता है क्योंकि उसको कंप्यूटर एक्स कंसीडर कर लेता है. ऑलराइट, सो वी यूज एस्ट्रिक साइन हियर, स्टार साइन. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वी कैन कॉपी द फॉर्मूला, जस्ट ड्रैग इट एंड ऑल टोटल प्राइस विल कम. अब नेक्स्ट शीट में हम लोग डिवीजन करेंगे.
नाउ सी, हम लोगों ने देखा था हाउ टू कैलकुलेट द सम, ओके, दिस इज आवर सम. देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज, एवरेज मार्क्स. हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स, यस, इक्वल टू सेल ऑफ द सम एच सिक्स एच फाइव डिवाइडेड बाय हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव, सो डिवाइडेड बाय फाइव. ऑल राइट, सो दिस इज आवर एवरेज. अगेन वी विल कॉपी दिस वन. ओके, देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट द एवरेज. ओके, हियर इज वी कैन यूज फंक्शन ऑफ एवरेज. ओके, फंक्शन ऑफ एवरेज, हियर वी विल चेंज द फॉर्मूला आई फोर, आई हियर इज एच थ्री. ओके, फ्रॉम सी फाइव टू एच फाइव. ऑल राइट, यहां तक का हम लोगों को एवरेज चाहिए. एच फाइव टोटल का है, सो वी आर टेकिंग जी फाइव. ओके, सो प्रेस एंटर, वी विल गेट द एवरेज. दिस इज द अनदर वे टू कैलकुलेट द एवरेज. ऑल राइट, अब हम लोगों को परसेंटेज अगर करना है तो यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन बोथ हम लोगों को करना पड़ेगा. सो इक्वल टू टोटल, ऑल राइट, डिवाइडेड बाई 500 बिकॉज देयर आर फाइव सब्जेक्ट्स इंटू 100. ओके, परसेंटेज और एवरेज सेम ही होता है. अगेन वी विल कॉपी द सेल. जब हम लोगों को ऐसे सेल यूज करके जब हम लोग कोई फॉर्मूला करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका और एक बेनिफिट क्या होता है. सपोज बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 70 टाइप किया है, ऑल राइट, बट मुझे यहाँ पे 87 चाहिए था. ऑल राइट, जब मैंने 87 यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज हो गया. ऑल राइट, एक बार फिर से देखिए, ये जो यहाँ पे ये चार सेल में चेंज होगा. ओके, सपोज मैंने साइंस के मार्क्स चेंज किए 95, एंटर, सी, टोटल मार्क्स एवरेज ऑल द थिंग्स विल चेंज. व्हाई? बिकॉज वी हैव यूज्ड द फंक्शन एंड फॉर्मूला दैट इज यूजिंग सेल वैल्यूज, सेल एड्रेस. ओके, अगर सेल वैल्यूज से हम लोग करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं सम कर रही हूँ, ओके, 65 प्लस 85, ये सब अगर करूंगी तो वो फॉर्मूला सेल रेंज को कॉपी नहीं करेगा. ऑल राइट, ये सिर्फ वही सम को कॉपी कर देगा. तो हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को फॉर्मूला या फंक्शन कॉपी करना होता है. दैट्स व्हाई वी यूज द सेल रेफरेंस. अंडरस्टूड? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक कैलकुलेशंस लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ओके, हम लोगों ने बेनिफिट्स देखे टू यूज द फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस. ऑल राइट, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा था, और इस सेशन में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन डिविजन देखा, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज हम लोगों ने देखा, एंड हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज हम लोगों ने देखा. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेशन. थैंक यू.